रश देख रहे हो गाइस, रश देखो, रश देखो, जस्ट किडिंग। ओ भैया, हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन गाइस। तो ये 2023 का मेरा पहला व्लॉग है, तो वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जिस संडे, अपना 2023 का पहला दिन। अभी जस्ट उठा ही हूँ, लेट हो गया, 11:15 बज चुके हैं। तो आज हम छोटी सी एक राइड पर जाएंगे, मैं जाऊँगा जी अपनी ग्लाइड पर ही, और मेरा कज़न चल रहा है मेरे साथ भूसा भी। हमने वैसे 9 बजे का निकलने का प्लान था, तो 8 बजे का अलार्म लगाया था, अलार्म बंद करके मैं फिर सो गया। रात को गोला टेम्पल गए हुए थे तो लेट आए, नींद खुली नहीं, तो उसकी 10 बजे मेरे को कॉल आई है। तो मैं कहा चलो अभी निकलते हैं, अभी फ्रेश व्रुश हो गए हैं, तो बस बाइक गंदा है। आप कहोगे हर बजे उतरिए, कौन सी नई बात है। तो बाइक को थोड़ा सा साफ करके अपना गियर वगैरह डालकर तो निकलते हैं। प्लान अभी कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, अभी देखते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट राइड करेंगे। चलो अभी जैसे लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा, हमने बाथों की लड़ी करा था, वो उस वीडियो का मेरा बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था। होप करता हूँ इस वीडियो को भी आप सभी लाइक करोगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं, तो मिलते हैं जी राइड दौरान। हाँ जी, तो कैसी लगी हमारी नई नवेली दुल्हन, लग रही है ना पूरी, ये इसका मज़ा आ जाता है जब साफ हो तो, ब्यूटीफुल। अब आएगा ना मज़ा चलाने का, तो चलिए गियर अप करते हैं और निकलते हैं जल्दी। बाय। आफ्टर सो लॉन्ग आई एम वेयरिंग माय दिस लेदर जैकेट, बड़े दिनों का मन था। How's the look guys? एक मेरे पास ये भी है, राइडिंग जैकेट नहीं है, नॉर्मल एक डेनिम की जैकेट है, माई फेवरेट। और एक ये लेदर और एक बास्केट वाली है, उसमें सारे पैचेस वगैरह लगे हैं, कितने किलोमीटर चलाया है। दिस इज द बाइक आई हैव ऑन, फैट बॉय, वॉज माई फर्स्ट बाइक, अभी रोड ग्लाइड है। ये हमारा एक सो कॉल्ड ग्रुप होता था। चलो एनीहाउ, लेट्स बिगिन द जर्नी, लेट्स वार्म अप द बाइक। चलो जी शुरू करते हैं। ए सच्चा बादशाह, टाइम तो बख्शो। अभी एज यूजुअल फ्यूल कम है जी, तो फ्यूल अप करवाते हैं सबसे पहले, राइड की करते हैं यहीं से शुरुआत। कितने जावा गई, चलो जी शुरू करते हैं।
सुई चढ़ी नहीं, चढ़ गई चढ़ गई। अभी देखते हैं, तरन इधर बाहर वेट कर रहा होगा शायद, अभी पता नहीं पहुंचा कि भी नहीं पहुंचा। एनम के बाहर आना था उसने, तो अगर तो आ गया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे को वेट करनी पड़ेगी और क्या। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, आप सभी का ये नया साल बहुत ही बढ़िया निकले और आप मेरे को और ज़्यादा प्यार दें पिछले साल से भी। तो बाकी अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा क्या नहीं आएगा। ओ तरन आ गया जी, आ गया, दिखा दिखा हमको, तो दिख गया जी। ओए शोरे, हैप्पी न्यू ईयर है। तो जी अभी जो प्लान बना है, हम जाएंगे टूवर्ड्स करतारपुर, वहाँ पे सबवे जो बरिस्टा है उधर, वहाँ पे रुकेंगे। तो यही फ़िलहाल प्लान का शेड्यूल है। तो बस थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, एक तो आज संडे है, ऊपर से न्यू ईयर है और रास्ते में एक दो जगह कंस्ट्रक्शन भी है। तो चलिए देखते हैं अब कैसी होगी राइड हमारी। पापा की परी या गाइस, अगर कोई जो मेरा चैनल देख रहा है, अगर कोई वो मोटो व्लॉग करता है, हाई फ्रिक्वेंसी कैप्चर करता हुआ माइक, वो मेरे को प्लीज़ सजेस्ट करो, क्योंकि ये मैंने सोनी का बेस्ट माइक जो आता है लेफ्ट राइट डुअल चैनल का, वो भी परचेज करके रख लिया है। तो आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसके ऊपर मैंने कुशन लगाया है, तो माइट बी विंड, पता नहीं वो हाई फ्रिक्वेंसी है, मेरे को किसी ने कहा था वो ना विंड ब्लास्ट के कारण आता, बट जो मेरे हिसाब से वो विंड ब्लास्ट नहीं है, ये हाई फ्रिक्वेंसी कैप्चर नहीं कर रहा। तो बाकी अब देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि बाइक भी लाउड है, जब हम फास्ट चलते हैं ना तो काइंड ऑफ एक हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है, तो प्रॉपर वॉइस ना कैप्चर नहीं कर पा रहा, तो उसके कारण डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आती है मोटो व्लॉग में, फिर ऐसे बोलने का ना मज़ा नहीं आता। तो अगर किसी को कोई भी नॉलेज है इसके रिगार्डिंग, मेरे मैं भी जो करंट ये वाला जो कैमरा है मोटो व्लॉगिंग के लिए, मैं अपना GoPro Hero 7 ब्लैक एडिशन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो जो ऑडियो का अडेप्टर है वो भी लगा हुआ है, जो GoPro का ही ओरिजिनल आता है वो ही मैंने फिट किया हुआ है। प्लीज़ मेरे को सजेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि इसका 3.5 mm जैक वाला ही इसका माउंट है, तो उसी हिसाब से सजेस्ट करना। अगर टाइप सी इसको लगता है तो वो भी सजेस्ट करो, क्योंकि मेरे को इस चीज़ की बहुत दिक्कत आ रही है। बाकी अगर रुकूंगा तो देखूंगा, अगर तो इसके, क्योंकि मैंने बिल्कुल नीचे करके लगाया है इस बार माइक, कि हवा वहाँ पर कम जाए, अब पता नहीं कम जा रही है कि और ज़्यादा जा रही है। अगर किसी ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा, तो लास्ट संडे मैं गया था जी भूसा पर, मैं फर्स्ट टाइम अमृतसर से अकेला निकला था भूसा पर, तो वो जाके राइड देखो, वो BMW का बड़ा ही अच्छा, उसके अंदर एक मैंने लिंक डाला हुआ है, तो जाके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको वो भी व्लॉग। बट इस व्लॉग को पहले पूरा देख लेना इसको मत छोड़ के जाना, इसको भी पूरा देख कर जाना। तो और मेरे को प्लीज़ मेरे को बताया करो कि आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे हैं या कोई कमी पेशी है। हाँ, अगर ये साउंड डिस्टर्बेंस पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही, अगर आ रही है इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मैं कोशिश करूँगा इस पर ना वॉइस ओवर कर दूँगा, अगर सही ना हुई तो, अगर आ गई तो वेल एंड गुड। भूसा के दीवाने हमारे भी दीवाने, क्यों भाई ये है मजा, मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू इन अमृतसर। एवरी टाइम आई पास थ्रू दिस आई ऑलवेज कैप्चर दिस व्यू, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। समान हुई आदत आ जाना।
देख रहे हो गाइस, रश देखो, रश लोग एक्टिवा निकाल रहे हैं। हम वहां से अपने बड़ी एक्टिवा निकाल रहे हैं। अंकल साइड हो जाओ। बच गई बच गई। जस्ट किडिंग। ओ भैया की कर रहे हैं अंदर उधर कर चुताई। स्टूपिड लोग भी अन्य हैं, देख नहीं रहा, बस अंदर घुसा ही जा रहा है। भगवान करे वो रेल ने बचा लिया हो। मजाक करते करते सीरियसली वही काम हो गया। चलो भगवान की दया से कुछ ज्यादा नहीं हुआ। एंजॉय राइड। This is what we call cruise control. चल रहे हैं भाई। तरन नहीं दिख रहा यार। ओ देखो आ गया, आ गया, ए गया। चलो अब हम उसको पकड़ते हैं। वेन्यू में चेंज कर दिया है। तरन इज नॉट कंफर्टेबल विद हिज न्यू जैकेट। तो अभी रास्ते में मैकडी दिखा है, तो हमने सोचा कि चलो यार एक नई जगह है, खुली भी है, खुली है, तो इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ कभी आए नहीं, तो आज यहाँ बैठ कर देख लेते हैं। तो रिसेंटली ओपन हुआ, अभी भी देखा नहीं है मैंने। क्या है जी लाजिए ना मोटरसाइकिल ना गिनो। अच्छा एक गड्डिया तो महंगा मोटरसाइकिल है, तो आप अपनी अखा देख रखना जी। उधर ला दिए यहाँ पार्क करते हैं। आई थिंक देयर माइट बी सम इशू। इधर ले आ, इधर ले आ। अच्छा अच्छा ये करते हैं बंद। हैजर्ड्स ऑफ, लाइट्स ऑन, बाइक ऑफ, सॉरी लाइट्स ऑफ नॉट ऑन। चलो यार अंदर बैठते हैं। कर लो तो निकल लेना। लो जी बच्चों का फोटो शूट। यस दिस इज द परफेक्ट पार्किंग। ठीक है ना इतने सको एदी की कीमत है ना? 2.5 लाख था भाजी। ते ओ हवा बूछा ए 2.5 लाख था। पौने दो था। चलो नई जगह ट्राई करते हैं। और खास रिसेंटली खुले रहा था। इधर ला दी, इधर इधर ला देने सामने भी। इधर आवे सुंदरियां सामने खड़ी, ध्यान पड़ता रहेगा ना। कपड़े ला दो। अभी हेलमेट को देते हैं जी उतार। लो जी तो सारा कुछ सामान वगैरह रख दिया, बाइक कर दिया बाहर खड़े। हम आ चुके हैं मैकडी के अंदर। अभी कुछ खाते पीते हैं तो ऑर्डर देते हैं। तरन गया चेंज करने, तो फिर अभी हम करेंगे व्लॉगिंग शुरू। शुरू ही है यार। टैक्सी दूसरा चिप गया पीछे। बाइक, हाँ हाँ हाँ, बाइक तो पार्क कर दी। टैक्सी लग रहा है ना भूसा। अमेजिंग। तो अभी जो प्लान है यहीं पर खाना खाएंगे, बर्गर वगैरह रैप वगैरह खाते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। बाकी आगे नहीं वापस जाएंगे अब तो। दूसरा और बाइक लाइट कर दिया जी पार्क। मैकडी पर बैठे हैं। लोकेशन भी सही है, मौसम तो है ही बहुत एंड है। मज़ा आ रहा राइड का, मज़ा आया। काफ़ी दिनों बाद ऐसे आए इकट्ठे दोनों। तो खाना भी ऑर्डर करके फिर वापसी करेंगे। अभी निकलते हैं थोड़ी देर में। कोल्ड ड्रिंक दे वैसे सर तुम कोक जीरो मिल जाना है, पेप्सी वाले मिल जाना है। कोक जीरो कर दो फिर। कोक जीरो कर दो। कॉफी कर दो।
ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਦੋ ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਨਹੀਂ ਆਰ ਹੈਪੀ ਦਾ ਮੈਕਸ ਸਪਾਈਸੀ ਚਿਕਨ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਚਿਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾ। ਦੋ ਚਿਕਨ, ਦੋ ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਕ। ਬਣ ਗਈ ਪਾਰਟੀ, ਲੋ ਜੀ ਲੋ ਲੋ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੰਡਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ। ਆਰਡਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਡਨ 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 ਇਹ ਅਬ ਸਮ ਹਮ ਠੂਸੇਂਗੇ ਵਹੀ ਇਹ ਹੈ ਤਰਨ ਕੀ ਇਹ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਰਨ ਕੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਰਨ ਕੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਸ ਹੈਲੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਵੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਤਰੀਕੇ ਚੁੰਡੀ ਗੌਰ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨੇ ਵੇ ਵੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਵੇ ਵੇ ਨਵੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾੜੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈਟਸ ਗੋ ਕਰੋ ਘਰੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸੇਫ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸੇਫ ਓਕੇ ਭਾਅ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸੇਫ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰਾਈਡ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਤੋ ਹਮ ਅਬ ਚਲਤੇ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਡਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਓਏ ਖੜਾ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਖੜਾ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਲੋ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅਬ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੇਤੇ ਹੈ ਯੂ ਟਰਨ amazing fun it was to chalo ji abhi hum kare wapsi to ye laga jo dharna to chalo guys agar aap sabhi ko video achhi lagi ho to like karna mat bhuliyega agar aur achhi lage to share karna to bilkul na bhuliyega agar kisi ne meri purani videos nahi dekhi to jaake please mere channel mein dekhiye aur milte hain ji bahut jald next vlog par Till then, bye-bye, take care, love you all. You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep. And I can't fight it